चार या पाँच में निकला था कि समवेयर ए स्मॉल किड इन इंडिया रन्स अ मैराथन इन इंडिया. तो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ दैट इंस्टेंटली कॉट माय इमेजिनेशन. तो आई थिंक वहीं से स्टार्ट हुआ था. एंड हमें चाइल्ड प्रोडिजीज हमेशा पसंद थे, यू नो, लॉर्ड कृष्णा टू फ्रॉम महाभारत. तो वो पॉइंट ऑफ फैसिनेशन, और मैं उड़ीसा का ही हूँ, आई थिंक एवरी ऑल दोज पजल्स केम टुगेदर. एंड आई एम फ्रॉम आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो स्पोर्ट्स हमेशा रहा है पार्ट ऑफ करिकुलम. एवरीथिंग फेल इन प्लेस. एंड बहुत फैसिनेशन था. एक पिक्चर निकली थी, एक कोच साइकिल में है और छोटा बच्चा 5 साल का भाग रहा है. दैट इमेज ऑलवेज कॉट माई इमेजिनेशन. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टेल दिस. अब काफ़ी, एक तो मैं रनिंग को लेकर बहुत ही पैशनेट हूँ, तो सुबह सुबह मैं 8-10 किलोमीटर भागता हूँ. तो फिटनेस मेरे लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी ज़िंदगी में, तो उसके लिए कभी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. लेकिन हाँ, सुमिंदर ने मुझे कहा था कि मुझे एक कुछ दिन के लिए जूडो की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ एक शॉर्ट्स हैं फिल्म में जूडो की ट्रेनिंग देते हुए. तो उसके लिए मुझे जो है एक बेसिक जूडो की ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, जूडो क्लासेस में जा कर के. और फिर बच्चों के साथ मैंने वर्कशॉप कंडक्ट किया था. और फिर बाकी स्क्रिप्ट तो मैं बहुत बार पढ़ता हूँ. और बिरंची का जो भी मैंने क्लिपिंग्स देखे थे, उसके बिरंची जैसा था, जो उसके एलिमेंट्स थे, उसको पर्दे तक पाने के लिए काफ़ी एक मिनट तक काफ़ी मेहनत की थी. आई थिंक भाग मिल्खा स्प्रिंट रनिंग के ऊपर थी. एंड दिस इज द ओनली फिल्म आई गेस इट्स ऑन मैराथन. मैराथन पे आज तक कोई फिल्म बनी नहीं है. वो तो 100 मीटर की थी. दिस इज लाइक 70 किलोमीटर्स रेस. दिस इज स्मॉल टाइनी किड हूज रनिंग. तो एंड फिल्म में भी कहा गया, आई थिंक द कोच सेज कि सिंस 1900 100 साल से इंडिया ने एक भी मैराथन प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया है. आई थिंक दस दर इन इंडी. आपके सवाल का जवाब देने के लिए, सुल्तान आज 200 करोड़ कमा चुकी है. आप में से कोई बता पाएगा कि वो कितने करोड़ अंत में कमा पाएगी? आपके सवाल का जवाब मिल गया. किसी फिल्म का कलेक्शन कोई कैसे बता सकता है कि उसका इवेंचुअल कलेक्शन क्या होगा? कोई भी फिल्म मेकर नहीं बता सकता है. तो हम भी नहीं बता सकते हैं कि जब फिल्म लगेगी तो कितने का कारोबार करेगी. और मेरे ख्याल से ये सवाल भी गलत है कि छोटे छोटे जो टैलेंट बच्चे हैं जिनमें एक स्पेशल टैलेंट है, जो भगवान ने उनके अंदर टैलेंट दिया है, उसको खोजा जाए, उन टैलेंट को जो है तराशा जाए, उसको एनकरेज किया जाए, उसको डायरेक्शन दिया जाए, ताकि इस हिंदुस्तान में टैलेंटेड बच्चों की कमी ना हो. आई थिंक मार्केटिंग रिसर्च था, उन्होंने रैंडमली बहुत लोगों को पूछा था. एंड दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन था. वेयर इज़ बुधिया सिंह वॉन्ट टू रन में पीपल, लोगों ने इंस्टेंटली कनेक्ट किया. आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ फ्रॉम ए सर्वे एंड फ्रॉम ए मार्केटिंग. बेसिकली क्या है कि बायोपिक जो है, इस साल में 5 फिल्में मेरी आ रही हैं, जिसमें से 2 फिल्में लास्ट ईयर रिलीज होने वाली थी. ट्रैफिक लास्ट ईयर होने वाली थी और 7 उचक्के होने वाली थी. लेकिन बाई चांस ये सारी फिल्में इसी साल आ रही हैं. और बाई चांस जो ये तीसरी फिल्म है मेरी, वो सच्ची घटना पे आधारित है और सच्चे किरदारों पे आधारित है. तो मेरे लिए ये लकी है. मेरे लिए ये एक बाई चांस की बात भी है और मेरे लिए अच्छा भी कि एक हर 2-3 महीने में लोगों को एक मेरा नया किरदार लोगों को देखने को मिल रहा है. और उससे जो है मेरी जो काबिलियत है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, लोगों को आराम से पता चल जाएगा. इस साल के अंत तक लोगों को बहुत सारे किरदार मैं मनोरंजन करूँगा. इससे अच्छा एक अभिनेता के लिए कुछ नहीं हो सकता. दर्शक जो सीख सकते हैं वो ये कि अपने बच्चों में वो खास प्रतिभा देखें और जो भी उनके अंदर में भगवान ने काबिलियत दी है उस पर पूरा ध्यान दें, उसको इनक्रेज करें, उसको निखारें और उसको आगे बढ़ाते रहें. ये बहुत ज़रूरी है. और जो सबसे बड़ी सीख है हमारे स्पोर्ट्स बॉडीज़ के लिए, हमारे स्पोर्ट्स जो हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उनके लिए, कि नेशन के पास में टैलेंट की भरमार है, उसके खोजने वालों की कमी है. इसके कारण ही बहुत सारे टैलेंट जो बुधिया जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, या वो बड़े होते तक में वो अलग अलग राह में चले जाते हैं. जो सही टैलेंट है उसका यूज़ नहीं कर पाते. एक अकेला आदमी था बिरंची दास जिसने उस टैलेंट को खोजा था, लेकिन उसके ऊपर भी हमने सवाल खड़े किए और बच्चे को उससे छीन लिया था. और जिसके कारण बुधिया आज 14 साल की उम्र में बिना किसी ट्रेनर के इससे मेरे करियर की जाएगी. और मुझे फ़ख्र है इस फिल्म का पार्ट होने में. और ये फिल्म बेशक बहुत ही, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ,
कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी तो ये जो बुधिया सिंह आज 14 साल का हो चुका है, जिसका ख्वाब है कि 18 साल और उससे ऊपर होने के बाद ओलंपिक में दौड़ने का, उसको वो सारी मदद मिलेगी, उसको वो सारा सहयोग पूरे समाज से मिलेगा। रील बिरंची दास जो थे वो उनको ही वॉज शॉट डेड, उसको गोली मार दी गई थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं उसे ज़रूर मिलना चाहता, क्योंकि जब न्यूज़ चैनल्स उनके स्टोरी को कवर कर रहे थे तो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगे थे, वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगे थे, और काश वो जिंदा होते, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन जहाँ भी उनकी आत्मा है, वो आज बहुत फ़ख्र होगा उनको अपने आप पर कि उनकी उस कोशिश की वजह से आज ये फिल्म बन पाई।